अगर आपने लबनानी कोफ्ता कबाब नहीं खाए तो इस ईद पर आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। कम मिसालों में तैयार होने वाले ये कबाब नहायत मुनफरिद और लजीज हैं। बहुत आसान रेसिपी है जिसकी मेन इंग्रेडिएंट्स में शामिल हैं आधा किलो कीमा, पार्सले की एक गड्डी, लेबनीज सेवन स्पाइसेस, एक मीडियम साइज प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च, नमक और थोड़ा देसी टच देने के लिए सुर्ख मिर्च। लेबनी सेवन स्पाइसेस में काली मिर्च, धनिया और जीरे का एक बड़ा चम्मच, जबकि इलायची, दालचीनी, जायफल और लौंग का आधा आधा चम्मच मिला के पाउडर बना लें। एक दरमियाने साइज की प्याज को बारीक बारीक काट लें और चॉप कर लें। इसी तरह पार्सले को भी बारीक बारीक चॉप कर लें। अगर आपके पास पार्सले मौजूद नहीं है तो धनिया से काम चलाया जा सकता है, लेकिन असल जायका पार्सले के साथ ही आना है। प्याज और पार्सले को अच्छी तरह चॉप करके आपने कीमे के साथ मिक्स करना। दो टेबलस्पून लेबनीज सेवन स्पाइसेस, वन टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, वन टेबलस्पून ब्लैक पेपर, वन टेबलस्पून सॉल्ट, वन टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इस सब को अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि मसाले कीमे के अंदर रच बस जाएं, और कम से कम एक से दो घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है। और अगर आप हमारी तरह कैंपिंग पे हैं तो एक रात पहले ही मैरिनेशन लगा के छोड़ दें और अगले दिन बस कबाब बना लें। सीख कबाबों के लिए हमेशा चौड़ी चिपटी सीखे लें और पानी का इस्तेमाल करें ताकि कबाब गिरे ना। पानी लगाएं, थोड़े पेशेंस से आप ये काम करेंगे तो कबाब टूटेगा नहीं और गिरेगा भी नहीं। अगर आपके पास सीखे मौजूद नहीं तो आप इनको गोल शेप में चप्पल कबाब की तरह पैन में फ्राई भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कम से कम ऑयल में फ्राई कीजिए। अगर आपने सीखों पे लगाना है तो आप गैस ग्रिल या कोल ग्रिल पे ग्रिल कर लें। कोल ग्रिल सबसे बेहतर रहती है, हमने तो गैस ग्रिल इस्तेमाल की। जूसी कबाब बनाने के लिए कोशिश करें कि शुरू में आंच तेज रखें ताकि जूसेस इंटैक्ट रहें। अगर आप स्लो आंच पे बनाएंगे तो कबाब ड्राई हो जाते हैं। बस आहिस्ता आहिस्ता घुमाते रहें और इसकी सरफेस पे थोड़ा थोड़ा तेल लगाते रहें ताकि कबाब जले ना, और तकरीबन 10-12 मिनट में आपके कबाब तैयार हो जाने हैं। तो नहायत ही जूसी से लेबनीज कोफ्ता कबाब तैयार है। तो अगर ईद की छुट्टियों में आप भी हमारी तरह पहाड़ों पर या कैंपिंग के लिए जा रहे हैं तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है। मैरिनेशन लगा के कीमा आप साथ ले जा सकते हैं और वहाँ पे बस आपने ग्रिल करना है। चावल, नान या फिर सिर्फ चटनी के साथ आप इन कबाबों को एंजॉय करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप खूबसूरत सीनरी के साथ मज़ीद मुनफरिद रेसिपीज सीखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी आउटडोर कुकिंग कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी अपना कचरा एक बैग में डालें और उसको प्रॉपर डिस्पोजल एरिया पे डिस्पोज करें।